Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. And dear students, आप लोगों को मालूम है जैसे कि हम जो है पास्ट पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 मिसेलेनियस सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट सिन बोर्ड्स, और सिन बोर्ड्स में डिफरेंट बोर्ड्स आ जाते हैं, उसमें जो जो पेपर्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो है वो हम कुछ कॉन्सेप्ट पिक करके पेपर फॉर्म में आपको यहाँ पे करवा रहे हैं. बट मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, यू शुड फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस. तो आपने क्या है, स्कीम पे इतना फोकस नहीं करना, बस आपको मालूम हो कि सेक्शन ए बी और सी में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हों कि क्वेश्चन जहां से भी आए और जिस तरह से भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप उसको आंसर इजिली कर सकते हैं. राइट नाउ हम जो है वो एमसीक्यूज पार्ट टू करेंगे, और उसमें जो है वो मैं आपको डिफरेंट एमसीक्यूज जो है यहाँ पे शो ऑफ करवाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीवियस रिपीट भी हुए हैं ये कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट पास्ट पेपर्स के अंदर, तो उनको आपने फोकस्ड करना है. और राइट नाउ आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ विद यू डियर स्टूडेंट्स. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ जो है वो मूव करते हैं. फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, ये तो वही इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो रही है. सेक्शन ए है और पार्ट टू है इसका. एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी एमसीक्यूज लिखी हुई है. चैप्टर का नाम है मिसेलेनियस सीरीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी जो है वही इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी वर्बली बताई है. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अच्छा, इसमें आप देखें फर्स्ट वन एमसीक्यूज आपके पास जो शो हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1. ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो है एक्सरसाइज में भी सॉल्व करवाया है. मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मेरा फोकस्ड ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के ऊपर होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सरसाइज में आए हों और ज्यादा रिपीट हो रहे हों एग्जाम में, तो वो भी यहाँ पर होंगे. ये देखें जैसे है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, राइट. तो इसमें क्या है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90. इसमें द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज व्हाट, इसमें आपसे कॉमन रेशियो जो है वो पूछी जा रही है. अगर तो सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 90 है, वट इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो कॉमन रेशियो जो है वो आपने इसमें बतानी है. ये जो एमसीक्यूज है नॉर्मली ये है कि फिक्स्ड इसके आंसर होते हैं, जैसे कि आपसे प्रीवियस जो है वो लेक्चर के अंदर एक लॉगरिथम वाला पूछा गया था, इस तरह से साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है या साइन कॉस 90 क्या होता है, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज नॉर्मली ज्यादा पूछी जाती है, उसमें इतना ज्यादा जो है वो कैलकुलेटेड नहीं होता क्वेश्चन, या फिर उसमें स्टेप्स ज्यादा नहीं होते. इसका भी आंसर देखें क्या होगा, 3 होगा, तो इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज करना इन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट में देखें आपसे कहा जा रहा है कि द 35th पार्शियल सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस विद टर्म, टर्म गिवन है यहाँ पे. देखें टर्म क्या है आपके पास, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू प्लस 1, 35th पार्शियल सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस की यहाँ पे बात कर रहा है, राइट. तो ये 350 इसका जो है वो आंसर होगा, जस्ट आपने वैल्यूज पुट अप करनी है इनको, तो इसमें जो है वो आपके पास जो है फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो आपने फाइंड आउट करनी है, विच वन इज 350. नेक्स्ट में जो देखें आपसे क्या पूछा गया है, द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज व्हाट, फर्स्ट 5 टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा. अच्छा, यहाँ पे देखें इसने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा लिखा हुआ है. अब आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज नंबर 1, तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ जीपी लिखा हुआ है. ये मैंने देखें एक ही स्लाइड पे ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए बनाई है. मैंने इसको जीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस एमसीक्यूज में पूरा लिखा हुआ है. अब रीजन बिहाइंड दैट ये है कि जीपी भी सेम है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक ही वर्ड है,
राइट, तो इससे इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। एमसीक्यूज में अक्सर ऐसे होता है कि शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपको दे देता है, एपी अक्सर दे देता है, थीमेटिक प्रोग्रेशन में एपी लिख रहा होता है, तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये जीपी हो या फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द सेम द थर्ड, और अक्सर ये पूछा जा सकता है। जैसे मैं एमसीक्यूज को कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपी या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी, द डिफरेंस बिटवीन एपी और जीपी पूछा जा सकता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं और नॉर्मली आते भी हैं, और या फिर डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इस पे आपने जो है वो फोकस्ड करना है। एनी हाउ इसमें क्या होगा, देखिए 4 पावर ऑफ 5 जो है इसका एग्जैक्टली जो है वो आंसर है। कैसे आंसर है, फर्स्ट 5 टर्म पूछी गई है आपसे, और इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो गिवन है 4 है। तो अब एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस आपने लिए, नन ऑफ देम एक दिया हुआ है और एक क्या दिया है 4 पावर ऑफ 5। अब जब आप देखेंगे जीपी की वैल्यू 4 है तो डेफिनेटली यहाँ तो 4 ही आएगा शुरू में, अंडरस्टूड सी बात है कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 4, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ए बी सी जो है वो 3 एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। इसमें आगे आप देखें जब पावर ऑफ 3 है, पावर ऑफ 4 है, पावर ऑफ 5 है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म में क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म तो पावर ऑफ 5 ही होगी, 4 पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये एग्जाम में आपके पास ऐसे भी आ सकता है, देखें 4 पावर ऑफ 5, राइट। अब मैंने इसको लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पावर ऑफ 5, तो ये एक ही बात है, या फिर जीपी हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये चीजें थोड़ी सी आपने फोकस्ड करनी है शॉर्ट फॉर्म्स की, राइट। या फुल भी लिखा हो सकता है 4 पावर ऑफ 5 या 4 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। अब देखें ये एमसीक्यूज जो आया हुआ है, ये एमसीक्यूज आप देखें 4th 1, वही आ गया जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसमें देखें यही लिखा हुआ है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए बी, राइट, ये वही चीज है। अब इस एमसीक्यूज में उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर जो है शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है वो आपसे, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b = a+c, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। अगर तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे ए बी सी तो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं वो पूछ रहा है। एक ऑप्शन में उसने ए को राइट साइड पे लिख दिया है, बी को लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो इसका बी जो आंसर है 2b = a+c इज अ करेक्ट आंसर, आपने इसको जो है वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट देखिए सबमिशन 51n = what, तो इसमें आंसर आपका नन ऑफ अबव होगा। वैसे अगर आप पूछें तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 1276 है, राइट, तो इसमें जो है कोई भी नहीं है तो नन ऑफ अबव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जिसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं होता, राइट, तो ये भी आपने थोड़ा सा देखना है। 6th पे देखें, इफ 17, 13 एंड 9 आर एपी, एपी आपको मैं बता चुका हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और करेक्ट इसमें क्या होगी, देखें पूछा किस में जा रहा है पहले तो आपने ये देखना है। एपी में पूछ रहा है तो डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला कोई एमसीक्यूज अगर आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है तो उसको डेफिनेटली टिक करेंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 इसने एपी दिए हैं, ए और सी की बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड सी। तो -19 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, -19 इज द टर्म ऑफ जीपी, -19 इज द टर्म ऑफ एपी, -19 इज द टर्म ऑफ एचपी। देखिए -19 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, ये तो नहीं हो सकता, -19 इज द टर्म ऑफ एपी जो है वो इसका करेक्ट जो है वो आंसर होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस एन इक्वल टू वाले आ गया है जी, फार्मूला दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स इसमें, इफ एस एन इज इक्वल टू एन होल ब्रैकेट एन प्लस वन 2 है, देन एस एन 2 = what, इक्वल टू व्हाट क्या होगा जी, 2n+1 है या 4n² है प्लस 4n+1, ये इस बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, राइट, इसको आपने जो है वो टिक कर देना है। एस एन 2 = what, एस एन 2 की यहाँ पे जो है वो बात हो तो फिर आपने इसका आंसर ये लिखना है, राइट। द जनरल टर्म ऑफ द एपी इज, द जनरल टर्म ऑफ द एपी इज an = a1+ जो n-1 × d, राइट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जनरल टर्म पूछी जा रही है ऑफ द एपी, राइट, जनरल टर्म,
जनरल टर्म आपने जो है वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये लिख देना इसको। तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है या कोई समझने की ऐसी चीज नहीं है, बस इसको आपने मेमोराइज करना है, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ टर्म आर देयर इन एपी इन विच A1 इज इक्वल टू 11, A n 68, D इज इक्वल टू 3। अब देखें, पहले जो एपी का फार्मूला आया था उसके अंदर ये वैल्यूज पुट अप करेंगे तो 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपने फार्मूलाज जो है मेमोराइज करने हैं। फार्मूलाज मेमोराइज करने के बाद जो है वो उसमें वैल्यूज पुट अप करनी है जो कि गिवन होगी आपके पास, और उसमें जो है पुट अप कर देनी है आपने। सिंपल है। विच टर्म ऑफ AP(5, 2, -1, ……) इज 85। तो इसमें एपी का वो फार्मूला यूज करेंगे तो 31st टर्म ऑफ एपी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो के लेक्चर को आपने काफी इंजॉय किया होगा, काफी मुफीद चीजें और काफी जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो आप लोगों को सीखने को मिली होंगी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज हमारी जो प्रोफेशनल टीम है वो इसके ऊपर रिसर्च जो है वो डिफरेंट तरीके से करती है और ज्यादा इसके ऊपर टाइम देती है डेफिनेटली। तो इस वजह से जो है आपको इंफॉर्मेशन भी अच्छी यहाँ पे मिलती है, या लेक्चर जो भी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहां पर आकर जो है आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। और आप जो है वो हेल्पिंग मटेरियल जितना भी है एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वो आपको वी ट्यूशन की वेबसाइट से इजीली मिल सकता है, विच इज www.vtuition.com। और ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। और फॉलो करें हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।